दिल्ली आने वाले लाखों कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश अब टोल फ्री हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन साउथ एमसीडी की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मौजूदा समय में दिल्ली के 124 नाकों पर टोल वसूलने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी की है। निगम के साथ निजी कंपनी का विवाद होने के चलते सालाना 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा होने वाला टोल निगम को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नेताओं का कहना है कि जब निगम को ये कमाई हो ही नहीं रही है तो लोगों से आखिर इसे क्यों वसूला जाए। मौजूदा समय में अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आदेश निकालकर अगले हफ्ते से दिल्ली में एंट्री पाने वाले कमर्शियल वाहनों को राहत दी जाए और जब तक कोर्ट केस का निपटारा नहीं होता तब तक ये राहत बरकरार रखी जाए।